उत्तराखंड में मानसून बीत गया है और अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फबारी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में अब मानसून बीत चुका है और बर्फबारी का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए आपदा विभाग ने सभी कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके आगे विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आगे कोई आपदा आने वाली हो, हम उसका अभी से तैयारी कर लें ताकि समय रहते राहत कार्य शुरू किया जा सके। इसी कड़ी में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हमने सभी जनपदों से कहा है कि विगत 15 वर्षों में किन किन तरह की आपदा आई है उनका आकलन करें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र सुरक्षित तरीके से बीत गया है, अब बर्फबारी का समय आने वाला है कुछ दिन बाद। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे लोग हैं आपदा से काम करने वाले, सभी को हम प्रशिक्षण पुनः एक बार दें। जिस तरह की आपदा आने वाली है, जैसे जब बर्फ पड़ती है तो पेड़ गिरते हैं, रास्ता बंद होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बर्फ काटने की आवश्यकता पड़ती है, पेड़ जब गिर जाते हैं तो पेड़ काटने की आवश्यकता होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी आपदाएं आ जाती हैं उसका आकलन करने के बाद हम लोगों को उन आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग का कार्य शुरू कर दिए हैं। सभी जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि जो आपदा आने वाली आने की संभावना है या जो आने वाली है उसके लिए हम अभी से निपटने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम आपदा से बढ़िया से निपट सकें।